सर ऐसे खड़े रहना, मेरे पीछे ना दो लड़के पड़े हुए हैं, प्लीज भैया। वो दोनों तो यहीं खड़े हैं। क्या मेरे पीछे खड़े? तो भैया आप ना ऐसा करो कि उनको ऐसा दिखाने की कोशिश करो कि हम ना बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है। खाना क्या इसमें? वो तो मैं बना ही लूंगा। क्या कर रहे हो भैया ये आप? बात यहाँ तक आ गई ना, तो एक काम करो, भैया पागल वागल हो गए हो क्या? और मेरी मजबूरी है इसलिए मैं तुम्हारे से हेल्प लेने आई। वैसे भी वो लड़के मेरे पीछा ना करते, मैं तुम्हारी जैसे की तो शक्ल भी नहीं देखती हूँ, समझे? मेरा तो काम यही है लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना, और तू तो अपने आप ही आ गई, और तुझे तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। ऐसा जो मन कर रहा है तेरी मजबूरी का ना अभी फायदा उठा लो। तेरी इतनी मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया, तू जानती नहीं मैं कौन हूँ। मैं उन लड़कों को बता दूंगा कि तू भाग क्या ही है। तुझे क्या लगा कि एक लड़की मजबूर है और तू उसका फायदा उठाएगा? फटाफट 1,00,000 रुपए निकाल। 1,00,000 रुपए? 1,00,000 रुपए किस चीज के? 1,00,000 रुपए किस लिए? वो देख वो लड़का देख रहा है, उसने ना जो तूने अभी किया है ना वो सब कुछ ना रिकॉर्ड कर लिया उस फोन में, समझा? और फटाफट ना 1,00,000 रुपए निकाल। और मुझे तो लगा था कि जो तूने जो मैंने तेरे साथ किया ना वो मुझे एडिट करना पड़ेगा, पर तूने तो मेरा काम आसान कर दिया ये सब बोल के। फटाफट निकाल 1,00,000। तो मैंने आपकी हेल्प की है, वो लड़के आपका पीछा जो कर रहे थे ना मैंने उनसे आपको बचाया, और आप इसके बदले मुझसे पैसे ऐंठने की सोच रहे हो, ये आपकी गलत बात है। अबे ओए नौटंकी नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। सिट्योर जी मैं कहाँ फंस गया, जो मैंने क्या कर दिया, मैंने ना जाने जाने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये लड़की है ऊपर से इसने वीडियो बना ली, मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या बोलूंगा? देखो मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है ना, मैं तुम्हें पैसा दे सकता हूँ। देख वो तेरी प्रॉब्लम है, तेरे पास पैसे है नहीं है, मुझे बस पैसे चाहिए, नहीं तो जो उसने वीडियो रिकॉर्ड करी है ना वो पुलिस स्टेशन में दिखाऊंगी, फिर उसके दुगने देने पड़ेंगे, समझा? अरे तो बाइक पे बैठा है ना, ये बेचनी पड़ जाएगी, दे जल्दी पैसे। तू हंस क्यों रहा है? बात ऐसी है मैडम, अब मैं 1,00,000 रुपए नहीं दूंगा, अब तुम 2,00,000 रुपए दोगी। पागल वागल हो गया क्या, दिमाग सटक गया है क्या तेरा? हाँ पागल तो मैं हो गया था, लेकिन वो सब देखने से पहले, वो देखो उधर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और अब तुम मुझे 2,00,000 रुपए दोगी, और तुम्हारे इस बंदे को बोलो वो वीडियो डिलीट कर दे। नहीं करोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उस सीसीटीवी कैमरे में ना सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है कि तुम मेरे पास आई हो, ना कि मैं तुम्हारे पास गया हूँ। मैं पहले आराम से खड़ा था, तुम आई मेरे पास मुझसे हेल्प लेने के बहाने, मुझे फंसाना चाहती थी तुम, और ये सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुका है। तो इसका बेनिफिट यही है कि तुम मुझे 2,00,000 रुपए दो, नहीं तो मैं वो सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दिखा दूंगा। अगर एक बार पुलिस ने वो वीडियो देख ली ना, फिर तो भाई तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और ये वीडियो वगैरह प्लीज थाने में मत दिखाना, और मैं आगे से ये काम नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अरे मैं अच्छे जानता हूँ तुम जैसों को, न जाने दिन में कितने बंदों को लूटते होगे और कितना पैसा कमाते होगे, तुम्हें थोड़ी सी जरा सी भी शर्म है? भैया माफ कर दो प्लीज, मेरे से ना बहुत बड़ी गलती होगी, मैं आगे से ना ये काम छोड़ दूंगी, बिल्कुल छोड़ दूंगी भैया, प्लीज माफ कर दो। चल ठीक है निकल यहाँ से, आज के बाद ऐसा काम मत करियो,